शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के गड़बड़ झाला के चलते डेटा सेंटर पहुंचे नगर सेवक अशरफ पठान की प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने मनपा के स्थायी समिति के सदस्य और प्रभाग 32 के मुमरा के नगर सेवक अशरफ पठान, इन्होंने हाल ही में शहर के मुख्य रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा उठाया था। कैमरे बंद पड़े हैं, मनपा प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तख्तियां उन्होंने लगाई थी। उसके बाद अर्शिया फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी महिला प्रदेश की नेता और महिला आयोग की सदस्य रीदा रशीद ने दावा किया था कि ये कैमरे उनकी अर्शिया फाउंडेशन संस्था की तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल उनके दावे के मुताबिक लगभग 140 से ज़्यादा कैमरे, मनपा के दावे के मुताबिक जो नगर सेवकों की प्रभाग सुधार निधि से जो है लगाने का दावा किया गया है, कुल 1204 कैमरे जैसे बताए गए थे, उनमें से लगभग 149 के करीब कुछ कैमरे बताए जा रहे हैं। तो ये दोनों तरह के कैमरे, इसमें से कार्यरत कितने हैं और डेटा सेंटर से कनेक्टेड कितने हैं, या डेटा सेंटर में कुल कितने कैमरों का कनेक्शन है, इसकी जांच पड़ताल की नगर सेवक अशरफ पठान ने डेटा सेंटर जो हजूरी में बना हुआ है ठाणे के वांगले स्टेट परिसर के, वहां जाकर की। तो वहां क्या सच का पता चला, किस तरीके का पूरा मामला था और इस पूरे गड़बड़ झाले को लेकर क्या कहा नगर सेवक अशरफ पठान ने और प्रशासन से क्या मांग की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक संस्था ने अभी हाल ही में आज की मीडिया में मेरा स्टेटमेंट है, मीडिया में उसने बोली ये कैमरा मैंने डोनेट किया। प्रॉब्लम सुन लो, अभी एक नया प्रॉब्लम आया कि जितने कैमरे लगे ये मैंने डोनेट करे। प्रश्न ये उठा कि अगर उन्होंने डोनेट कराए तो फिर अब कॉरपोरेशन की नगर सेवक की थी तो इसमें ये कैमरे किसके, अगर ये अपने नहीं, ये अपने वो तो 26 है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जितने कैमरे लगे 146 कैमरे वो मैं डोनेट करे। नहीं, ये तो बड़ा गलत बात है ना, यही ऐसा उनका आज का स्टेटमेंट है। ये कैमरे फ्रंट मिड में फ्रंट पे जो कैमरे जो 146 लगे वो मैंने लगाए, तो आपना 146 कैमरा उन्होंने लगाया तो अपनी माना प्रभाग सुधार नहीं दिया सब कैमरे का है। अब तुम बोलते मैंने लगाए, वो बोलते मैंने लगाए, बिल मेरे पास है। ये एक प्रॉब्लम बहुत दिक्कत आ रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की लोगों मांगी कि कैमरा एक्चुअली किसने लगाया। कॉरपोरेशन को इसके लगाना पड़ेगा प्रेस नोट करके, ये जितने भी कैमरे ये हमारे ही है, हमारे प्रभाग सुधार निधि से लगे असल, ठीक है, ऐसा तुमको जवाब देना पड़ेगा। बस वही ना, वो उनका भी बोलना यही कि 149 मैंने लगाई, आज पढ़ेगी नहीं पढ़ो 146 कैमरा बोली शहर में लगे तो अपने, अब तो आप समझो 149 हमने लगाया, 146 300 कैमरे तो शहर में आई नहीं, ये प्रॉब्लम है नया, ये एलिगेशन आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, दो एक दिनों से मेरे मामा को एक जो बहुत अच्छी तरह था एक उम्र जो आंदोलन राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने माननीय जीतन राव के मार्गदर्शन में किया था, उसके बाद तपक जो सीसीटीवी कैमरे बंद थे वो आज उन्होंने सारे कैमरे बता के वॉर रूम थाना में वॉर रूम के अंदर दिखा के कि सारे कैमरे चालू है, सिर्फ 12 और बंद जो पिछले 15 दिन में आके बन के चालू हो जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि एक संस्था ने ये दावा किया है कि हमने महिला दिवस पे 150 कैमरा 146 कैमरे डोनेट किया था, जिसकी हमने विद्युत विभाग को बताया था कि ये हमारे, तो इसके हिसाब से हमारे प्रभाग सुधारना निधि से जो कैमरे लगाए वो 149 और 146 कैमरे जो महिला दिवस पे दिए गए, तो ऐसे मिला के 300 लगभग कैमरे होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वॉर रूम में 300 कैमरे नहीं है, सिर्फ 137 कैमरे। तो या तो फिर वो प्रभाग सुमदारा निधि के कॉरपोरेशन ने लगाए या तो वो संस्था ने दिए। इसकी मैंने मांग किया हूँ कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके लिखित में मुझे जवाब दिया जाए, और अगर उसमें कुछ भी गलत तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करके उनके ऊपर एफ आई आर दाखिल करें, क्योंकि एक कैमरे पर दो नीति तो नहीं ली गई, इसकी मेरे मुझे ऐसी आशंका है, क्योंकि एक महिला, उन्होंने महिला दिवस पर ऐसा मैंने डोनेट करी थी ऐसा उन्होंने दावा किया।